हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रॉ करना सीखेंगे एप्पल एंड मैंगो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, आपको उसको ध्यान रखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, देन आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, बेसिक शेप सर्कल। सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट आपको एक बिग सर्कल ड्रॉ करना है। लाइक मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। आप लाइट पेंसिल चलाइएगा, मैंने लाइट पेंसिल इसलिए नहीं चलाई है क्योंकि आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा। आपको लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। उसके बाद हम थ्री सर्कल्स यूज़ करेंगे। हम थ्री सर्कल्स अगेन ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर, जस्ट इन सेंटर एंड बोथ कट करते हुए। अब जब हमारे ये सर्कल्स ड्रॉ हो गए, तो अब हमें इनके सर्कल्स के कॉर्नर्स को ऐड करना है। सो नाउ जॉइन बोथ दी सर्कल्स। ये कॉर्नर से हमने इस तरह से इसको ज्वाइन किया है, और नीचे की जो लाइन्स है उसको हम कर्व में चेंज कर देंगे। अभी आपके सर्कल्स कॉर्नर ड्रॉ कर रहे हैं, बट अब आपको क्या करना है, इसको कर्व्स में ड्रॉ करना है। इस तरह से कर्व लाइन्स की भी प्रैक्टिस मैंने आपको दी है, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। अब हम जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है बीच में सर्कल का, उसको हम इरेज कर देंगे इस तरह से। अब देखिए, क्लीन करने के बाद हमारा एप्पल का जो ड्रॉइंग है वो बन चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो हमारी बेसिक शेप्स होते हैं वो उन्हीं के थ्रू हम कोई भी ड्रॉइंग ड्रॉ करते हैं इजीली। तो आपके बेसिक शेप्स बहुत अच्छे से प्रॉपरली ड्रॉ होने चाहिए, इसलिए अभी भी आप प्रैक्टिस कीजिए सर्कल्स बनाने की, बॉक्सेस बनाने की, या रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, क्योंकि ये बेसिक शेप्स हमारी हेल्प करेंगे किसी भी ड्राइंग को प्रॉपर बनाने में। अब हम मैंगो ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सेम है, जैसे हमने इसमें सर्कल ड्रॉ किया था वैसे ही सर्कल हम इसमें ड्रॉ करेंगे। अब मैं लाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको भी इसी तरह से पेंसिल यूज़ करनी है। अब जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ये जो स्मॉल सर्कल होगा वो बिल्कुल कॉर्नर में होगा, हाफ बड़े सर्कल के अंदर ही आएगा इसका हाफ पार्ट, और हाफ पार्ट इसका बाहर की साइड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर, हम बोथ जॉइंस करेंगे विद कर्व। कर्व लाइन से जॉइन करना है, आप याद रखिएगा, एक स्मॉल कर्व होगा और एक बिग कर्व होगा। इस तरह से हमने दोनों सर्कल्स को जॉइन किया है, और जॉइन करने के बाद देखिए हमारा पिक्चर कंप्लीट है। इसी तरह से आपको सर्कल्स की हेल्प से मैंगो एंड एप्पल ड्रॉ करना है। अगर आपको इसमें शेडिंग्स वगैरह सीखनी है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा शेडिंग वाला पार्ट डालूंगी। तो अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम एक बार और ड्रॉ करके देख लेते हैं, मैं आपको एक बार और स्टेप्स फॉलो करके बता देती हूँ। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया है, मैंने डैश डैश लाइन ड्रॉ किए ताकि हम इरेज करें तब उसमें वो क्लीन दिखे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाफ आउटसाइड एंड हाफ इनसाइड। अब बोथ पोर्शंस ड्रॉ हो गए हैं, तो अब हम कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सेक्शन हमने बना लिया है इसका मिड पॉइंट, नाउ विल जॉइन बोथ दी पार्ट। इन नेक्स्ट स्टेप आपको बोथ पार्ट्स को जोड़ना है। ये वाला कर्व आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ से लेते हुए जाना है आपको, और एक कॉर्नर से टिप निकालना है आपको, एक पॉइंट निकालना है, एंड देन आप वहाँ से स्टार्ट करोगे और नेक्स्ट सर्कल से होते हुए दोनों को क्रॉस करते हुए कर्व लाइंस बनाओगे ये प्रॉपर वे में। ये देखिए, अब नेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा है उसको हम इरेजर से इरेज कर देंगे। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हों, समझ में आए हों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें शेडिंग कैसे करना है ये बताऊंगी। अगर कलरिंग का भी वीडियो आपको अगर ऐसा होता है, तो मैं आपको एक कलरिंग का वीडियो भी अपलोड करूंगी। अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।